फ़ोन पे की ओर से न्यू अपडेट आ चुका है गाइज, जिसमें गाइज अपडेट में बताया गया है कि आपको जब भी मोबाइल रिचार्ज या अपने दोस्त को पैसे भेजने पर आपको चार्ज देना पड़ेगा, और वह कितना चार्ज देना पड़ेगा वह भी आज इस वीडियो में बता दूंगा डिटेल से। उसके लिए गाइज आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और कोई भाई चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज हम इस प्रकार की टेक्निकल से जुड़ी रिलेटेड वीडियो और मेक मनी सी वीडियो डेली बनाते हैं आपके लिए। तो इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ऑन कर ले। तो गाइज हम आपको बता दें कि किस तरह आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। उससे पहले आगे मैं बता दूँ गाइज, फोन पे गाइज एक बहुत बड़ी यहाँ पर कंपनी बन चुकी है, जिससे गाइज आपको यहाँ पर हर काम, बैंकिंग के हर काम आपको यहाँ पर आसान कर देती है। क्योंकि जब भी हम किसी पर बाहर होते हो और आपके पास पैसे नहीं होते, तो फोन पे आपके मदद से गाइज आप यहाँ पैसे मंगा लेते हो अपने पापा या फ्रेंड के पास से। तो उन्हीं कामों को आसान किया था फोन पे ने। तो दोस्तों आपको जब भी गाइज आप रिचार्ज यहाँ करते हो फोन पे की मदद से, तो गाइज आपको एक रिचार्ज करने पर एक रुपये से दो रुपये तक का चार्ज वसूल किया जाएगा फोन पे की द्वारा। और गाइज आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हो 50 रुपये, तो गाइज आपको 1 रुपया पर ट्रांजेक्शन आपको वसूल किया जाएगा। और गाइज आप 100 से ऊपर किसी को यहाँ पर पैसे भेजते हो, तो आज आपको यहाँ पर हर लेन देन के 2 रुपये आपको वसूल किए जाएंगे, जो फ़ोनपे को आपको देने पड़ेगा। और गाइज किस तरह से वसूल किया जाएगा वह भी गाइज आप जान लीजिए इस वीडियो में। जब भी गाइज आप रिचार्ज करोगे, तब गाइज आपके बैंक अकाउंट जो आपने ऐड किए हैं और जिस बैंक अकाउंट की मदद से आप यहाँ पर रिचार्ज कर रहे हो, उसके बैंक से आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर कट जाएगा 1 रुपया जब आप रिचार्ज करते हो। और इसी तरह से गाइज आप किसी को ट्रांसफ़र करते हो पैसे, तब भी गाइज आपको जिस तरह आप ट्रांजेक्शन करते हो 100, 50, 200, उसके हिसाब से गाइज आपके यहाँ पर चार्ज कट जाएगा बैंक अकाउंट से। और तो गाइज आप बताना कमेंट में कि गाइज ये फ़ोनपे का न्यू अपडेट आपको पसंद आया या नहीं आया। इसमें गाइज आपको बताना ज़रूर कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा या नहीं लगा। और गाइज तो गाइज आप जो पेटीएम है और गूगल पे, उनकी गाइज आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़ोनपे को छोड़कर पेटीएम, गूगल पे को ही यूज करने वाले।